हेलो, आज हम लोग जिस बारे में चर्चा करेंगे वो है कि अगर आप एक बैंक का कॉन्करेंट ऑडिटर हो तो आपको कौन कौन सा चीज है जहां पे आपको चेकिंग करने होंगे। तो कॉन्करेंट बैंक ऑडिट का जो चेकलिस्ट है उस पे 8 पॉइंट शामिल है। पॉइंट नंबर 1 है डिपॉजिट, पॉइंट नंबर 2 है लोन एंड एडवांसेस, पॉइंट नंबर 3 है कैश मैनेजमेंट, फोर्थ पॉइंट है सेफ्टी लॉकर, फिफ्थ पॉइंट है फॉरेक्स, सिक्स पॉइंट है बिल पेमेंट, सेवेंथ पॉइंट है इनकम लीकेज जिसको हम लोग रेवेन्यू लीकेज भी बोलते हैं, और एट्थ पॉइंट है ऑपरेशन। तो ये सारा पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है, और इस वीडियो में मैं सिर्फ डिपॉजिट सेगमेंट को लेके डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी डिपॉजिट जो सेगमेंट है उस पर कई किस्म के अकाउंट शामिल है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करेंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो एक ऑडिटर कैसे डिपॉजिट सेगमेंट को चेक करेंगे, अभी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको चेक करने होंगे ऑल केवाईसी दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय बैंक एंड द डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइड बाय द ऑफिशियल्स। तो जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट्स पे ऑफिशियल का सिग्नेचर है या नहीं और उसमें वेरीफाइड यानी वेरिफिकेशन का स्टैंप लगा है या नहीं, वो सब आपको चेक करने होंगे। अगर कोई भी अकाउंट ओपन होता है बाय ऑनलाइन मोड तो वहां पे भी आपको ऑडिट ट्रेल यूज करके चेक करने होंगे कि कौन डिजिग्नेटेड ऑफिसर है जो सारा पेपर्स को अप्रूव कर रहे थे और वो सारा पेपर सही है या उसमें कुछ खामियां है, ये आपको देखने होंगे। अगला जो पॉइंट है वह है कि अगर आप बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको पैन कार्ड देने होंगे, और अगर उस बंदे के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसको फॉर्म 16 फिलअप करके बैंक में जमा करने होते हैं। तो ऑडिटर को ये भी चेक करने होंगे कि फॉर्म 60 जो है वो ड्यूली फिल्ड अप है और अटैच है या नहीं, ये उनको चेक करने होंगे। उनको ये भी चेक करने होंगे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट है या नहीं। तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई बंदा आके बैंक में रेंट एग्रीमेंट देके वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं और रेंट एग्रीमेंट का जो एड्रेस है वो एड्रेस ही वो बैंक में वो एड्रेस के हिसाब से मेंशन कर रहे हैं, तब उनको देखना होगा कि वो जो रेंट एग्रीमेंट है वो नोटराइज्ड है या नहीं है। तो अगर बैंक ऑफिशियल विदाउट नॉन नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट के ही कोई अकाउंट ओपन कर देते हैं तो वहां पे ऑडिटर डेफिनेटली कमेंट करेंगे कि उनको नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट जो है वो ऑब्टेन करना चाहिए था, और ये लैप्सेस को पॉइंट आउट करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है कि ऑडिटर को वेरीफाई करने होंगे वो सारे अकाउंट्स जो क्विक मॉर्टेलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, और उसके साथ ये भी चेक करने होंगे कौन सा ट्रांजैक्शन है जहां पे 20,000 या 50,000 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऑडिटर को ये भी चेक करने होंगे कि कौन सा अकाउंट्स है जहां पे हाई वैल्यू डिपॉजिट हो रहा है या हाई वैल्यू विदड्रॉल हो रहा है विद इन फ्यू डेज ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि जैसे ही कोई अकाउंट ओपन हुआ है उसका 15 दिन या 1 महीने के अंदर अगर उसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली ऑडिटर को उस पर जो एक्स्ट्रा चेकिंग है वो एक्स्ट्रा चेकिंग करने होंगे, उसका जो रीजन है रीजन को आइडेंटिफाई करने होंगे, और अगर जरूरत पड़े तो बैंक ऑफिशियल को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करने होंगे कि आप लोग देखिए कि अकाउंट हाल ही में ओपन हुए है और इसमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो आप पार्टी को बुलाइए और उससे जो रीजनिंग वगैरह है वो रीजनिंग वगैरह लीजिए। तो ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉनिटरिंग का काम भी करें। अगला जो पॉइंट है वो है कि इनऑपरेटिव अकाउंट को लेके ऑडिटर को ये चेक करना है कि इनऑपरेटिव अकाउंट शैल बी क्लासिफाइड प्रॉपरली एंड ऑपरेशंस इन दोस अकाउंट्स आर ऑथेंटिकेटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि वहां पे जो इनऑपरेटिव अकाउंट है वहां पे बैंक प्रॉपरली चार्ज जो है वो चार्ज डिडक्ट कर रही है या नहीं, या फिर अगर उसमें कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो प्रॉपर ऑथराइज पर्सन जो है वो उसको अप्रूव कर रही है या नहीं, वो ऑडिटर को चेक करने होंगे। अगला पॉइंट है रिन्यूअल ऑफ टीडी को लेके। हम लोग जानते हैं कि जो टर्म डिपॉजिट होते हैं वो सर्टेन टर्म के बाद वो रिन्यू के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर वो क्लोज हो जाते हैं और जो प्रोसीड्स है वो सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर कोई ऑटो रिन्यूअल टीडी है तो वहां पे चेक करने होंगे कि क्या वो प्रॉपरली क्लोज हुए हैं, या फिर अगर वो रिन्यू होते हैं और ऑटो रिन्यूअल का अगर बात है तो डेफिनेटली वो डेट जिस डेट में वो मैच्योरिटी हो रहे थे उसी डेट में वो ऑटो रिन्यू हुए या नहीं, ये भी ऑडिटर को चेक करने होंगे। अब एक अहम पॉइंट है जिसको लेके
और इसे आपको खास ध्यान देने होंगे वो है टीडीएस से रिलेटेड। देखिए हम लोग जानते हैं कि बैंक में जो डिपॉजिट्स अकाउंट्स होते हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह दिया जाता है अकाउंट होल्डर को, उसमें एक टीडीएस वाला सेगमेंट होता है और वो टीडीएस वाला पार्ट जो है वो बैंक को काट के इनकम टैक्स को जमा करने होते हैं। तो ऑडिटर को ये भी चेक करने होंगे कि हर तिमाही में यानी हर क्वार्टर में जो सही अमाउंट का टीडीएस था वो क्या डिडक्ट हुआ है, क्या वो डिपॉजिट हुआ है, और उसका जो रिटर्न है यानी टीडीएस जो रिटर्न है वो सही टाइम पे फाइलिंग हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर ये काम सही तरीके से नहीं होगा तो डेफिनेटली बैंक अपने एंड से फॉर्म 16A जो है वो अकाउंट होल्डर को दे नहीं पाएंगे। तो ऑडिटर को यहाँ पे खास ध्यान देने होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है कि डिजीज कस्टमर को लेके, अगर कोई कस्टमर है जिसका डेथ हो जाता है तो उस केस में हम लोग जानते हैं जो नॉमिनी है उसको प्रोसीड जो है वो हैंडओवर किया जाता है। पर अगर ऐसा कोई अकाउंट है जहाँ पे कोई नॉमिनेशन नहीं है यानी नॉमिनी अपॉइंट नहीं हुआ है तो उस केस में जो उनका लीगल हेयर है वो आके हेयरशिप सर्टिफिकेट देते हैं और बैंक उनसे इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह भी लेते हैं। तो ऑडिटर को ये भी चेक करने होंगे कि क्या बैंक ने ड्यू डिलीजेंस अप्लाई किए हैं और इस चीज को इंश्योर किए हैं कि वो बंदा जो पैसा लेके जा रहा है वो प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन है और वो पर्सन भी प्रॉपर लीगल हेयर है। तो बैंक अपने इनसे सारा चेकिंग ठीक से किया या नहीं ऑडिटर को ये भी चेक करने होंगे। अब और एक बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टर्म डिपॉजिट को लेके, कि अगर कोई टर्म डिपॉजिट का ओरिजिनल जो रिसिप्ट है वो लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में बैंक उस चीज को कैसे डील कर रहा है, इसमें ऑडिटर को खास ध्यान देना होगा। अब देखिए जो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं उस पर नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, पर अगर उसमें डेबिट बैलेंस हो जाते हैं तो ये भी एक रेड सिग्नल है जहां पे ऑडिटर का ध्यान जाना चाहिए और वहां पे बैंक प्रॉपरली चार्ज जो है वो चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं उसको देखना होगा, और क्यों वो अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, क्या हुआ है उसके पीछे का रीजन, ये भी ऑडिटर को वेरीफाई करने होंगे, चेक करने होंगे। अब बात कर लेते हैं नॉमिनेशन फॉर्म्स को लेके। नॉमिनेशन फॉर्म्स फॉर डिपॉजिट एंड लॉकर्स एंड सेल्फ कस्टडी शैल बी ऑब्टेन एज पर प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स। तो ऑडिटर को ये चेक करने होंगे कि जो नॉमिनेशन फॉर्म्स वगैरह है उसको सही तरीके से बैंक ने कलेक्ट किया या नहीं और सिस्टम में उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आया या नहीं वो भी देखने होंगे। बहुत से टाइम हम लोग जानते हैं कि नॉमिनेशन जो है वो अकाउंट होल्डर बाद में चल के वो चेंज भी कर लेते हैं, तो अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज जो है वो चेंज सिस्टम में आया या नहीं ये भी ऑडिटर को चेक करने होंगे। साथ साथ हर बैंक में जो नॉमिनेशन रजिस्टर होता है वो प्रॉपरली अपडेटेड है, एंट्री पोस्टेड है या नहीं ये भी ऑडिटर को चेक करने होंगे। अब ऑडिटर को कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन करने होंगे जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड और पिन कंट्रोल का जो सिस्टम और मैकेनिज्म है बैंक के पास उसको भी ऑडिटर को चेक करके देखने होंगे कि क्या वो सफिशियंट वो लोग मेजर ले रहे हैं और वो सेफ कस्टडी में है, सेफ कीपिंग में है, तो ऑडिटर को इस चीज को भी इंश्योर करने होंगे। साथ साथ ऑडिटर वेरिफिकेशन करेंगे चेकबुक्स, कार्ड और दूसरा जो स्टेशनरी आइटम है उसको भी। कोई चेक अगर थर्ड पर्सन को इशू किया जा रहा है तो उस केस में प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर है या नहीं ये भी ऑडिटर को चेक करने होंगे। साथ साथ उस ऑथराइजेशन लेटर में जो अकाउंट होल्डर है उसका सिग्नेचर है या नहीं और वो सिग्नेचर बैंक का जो अकाउंट है उस सिग्नेचर के साथ टैली हो रहा है या नहीं ये भी ऑडिटर को चेक करने होंगे। यहाँ पे ये ऑटोमेशन लेटर हो गया है, इसको करेक्शन करना होगा, ये ऑथराइजेशन लेटर होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है कि ऑडिटर को ये भी चेक करने होंगे कि बैंक में अगर किसी कस्टमर का सिग्नेचर चेंज हो जाता है तो वो सिग्नेचर चेंज होने के बाद जो नया वाला सिग्नेचर हुआ है वो सिग्नेचर को सिस्टम में लाया गया या नहीं ये भी ऑडिटर को चेक करने होंगे। और जो बंदा आके सिग्नेचर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है वो पर्सन जो है वो बैंक का सचमुच अकाउंट होल्डर या नहीं ये भी ऑडिटर को चेक करने होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको मालूम चल गया है कि डिपॉजिट सेगमेंट का ऑडिट कैसे किया जाता है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ रेड कलर की जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप हिट कीजिए ताकि इसका अगला पार्ट जैसे ही मैं रिलीज करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। Thanks.